नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी मौजूद हूं सासाराम के ट्रामा सेंटर में। यहां पोस्टमार्टम के लिए एक बॉडी लाया गया है जो 12 वर्ष के बच्चा का है, जो तालाब में डूबने से मौत हो गई है। और ये मुखिया जी हैं, और कैमरे के माध्यम से मैं थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आए हुए हैं गाँव से, और गाँव में मातम सा छा गया है, और जो बच्चा था तालाब में नहाने के क्रम में मौत हो गई है। और वहाँ के स्थानीय मुखिया जी भी हैं और परिजन भी हैं, उनसे मैं बात करूँगा और जानूँगा कि किस तरह से ये घटना हुआ। बच्चा शायद खेलते कूदते हुए टहलते हुए तालाब की तरफ गया और तालाब में बच्चों के साथ नहाने लगा, उसी क्रम में बच्चे की मौत हो गई है। पूरा गाँव जो है मातम में तब्दील है, पूरे गाँव के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ तमाम सारे गांव के लोग यहां पर आए हुए क्षेत्र से। ऐसे में वहां के वर्तमान मुखिया हैं, मैं इनसे बात करूंगा। मुखिया जी, क्या नाम है जी? हमारा नाम सोहराब हुआ जी। ग्राम पंचायत कैसे बच्चा का? ये गांव के दक्षिण साइड एक पोखरा है जी, वहां पे दो चार को लड़का ये लोग गया था टहलने, गया था मतलब खेलने कूदने के लिए जी, और पैर फिसलने से पोखरा में गिर गया अचानक डूब के, और लाते लाते ये हॉस्पिटल में अपना मर गए। डूबने लगा तो ग्रामीणों को पता नहीं चल पाया? नहीं, बच्चे थे वहाँ पे, तो ऐसा डूबा कि वहाँ पे बिल्कुल पानी के अंदर हो गया जी, और बच्चों ने देखा नहीं कि किधर है। लोग आए तो अब खोजते खोजते 10-20 मिनट लेट हो गया, इतने में इसका मतलब सासाराम लाते लाते जी बिल्कुल यहाँ आया तो ये लोग जवाब दे दिए। और इसका नाम सुमित कुमार है, पिताजी का नाम चंद्रेश्वर सिंह, और ये ग्राम ब्राउ का रहने वाला है, मतलब निहाल में रहता जी, था। हमारे गांव का ये भगिना था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत होनहार बच्चा था। अभी तो हमारे 15 अगस्त को झंडा के जो गांव में घूमता है जुलूस, उसमें बहुत नारा लगाया इन्होंने, और थोड़ी दिन के बाद गांव और हम लोगों को छोड़ के चला गया। ये बहुत दुख की बात है, खास करके हम एक मुखिया होने के नाते सारे बच्चों से आग्रह करेंगे कि बड़े बड़े तालाब और पोखरा के तरफ न जाएं, ताकि ऐसा दोबारा घटना न हो सके। हम सारे बच्चों से ही आग्रह करेंगे कि तालाब, नदी और पोखरा में न जाएं, ताकि दोबारा ये स्थिति न हो। बहुत दुख की बात है। क्या नाम था लड़का को भी बताया? लड़का का नाम सर सुमित कुमार था। आप देख सकते हैं कि मुखिया जी का कहना है कि ये जो मामला है चिनारी प्रखंड के टिकारी गांव का है, जो बच्चे के तालाब में डूबने से मौत हो गई, और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, और काफ़ी लोग जो गांव के लोग हैं मतलब सहमे हुए लोग हैं। काफ़ी देख सकते हैं कि गांव में मातम सा छा गया है। यहां पे तमाम गांव के मतलब जितने भी लोग हैं यहां पर आए हुए हैं, बहुत सारे मतलब लोग यहां पर आए हुए हैं, करीब सैकड़ों की संख्या में गांव से लोग यहां ट्रामा सेंटर आए हुए हैं, और ट्रामा सेंटर कुछ क्षणों के बाद में बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये बच्चे के सुमित कुमार के नाना हैं जो। अच्छा नाना जी, कैसे उनका मौत हो गया है बच्चा का? पानी में अब तो हमने के डूबले न देख ली जी, तो नहाए पाँच गो लड़का गोल रहन, लड़कों के झुंड में गए। हाँ, खेलते कूदते हुए। हाँ, तो अब कोई हमें पमरे वाला एक आध गो हुई हन या, तो अब वो हन या ना लेना निकलन, तब सोचले हमन जा कि अधिक पानी पी लेलन अस्पताल ले गए, तो वही छोटा झोला छाप डॉक्टर बड़ा, तो कल हो जा सासाराम ले जा, तो चित्तरंजन भेरी ले आई हन जा, तो भैया ले कह दिले हन कि अब कुछ नहीं किया, मतलब नहीं रहे इस दुनिया में। हाँ, आप नाना हैं जी। लड़का का उम्र क्या था? 12 हो गई। 12 वर्ष। देख सकते हैं कि जो लड़का है अपने ननिहाल में रहा करता था, नाना के यहाँ रहा करता था, और नाना के यहाँ ये रहकर पढ़ाई लिखाई करता था। बच्चों के साथ खेलने कूदने के क्रम में वो तालाब के किनारे जाता है और पैर फिसलने या फिर नहाने के क्रम में उसकी संदेहात्मक मौत हो जाती है। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। मैं सोनू कुमार, धन्यवाद।